आई एम राखी एंड दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ द लेक्चर सीरीज जिसका नाम है आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन द लास्ट लेक्चर हमने वर्ड रूट के बारे में डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो वी शैल लर्न अबाउट प्राइमरी सफिक्स ऑफ एन आयुर्वेदिक नेम। सफिक्स का मतलब है किसी वर्ड के बाद में लगाए जाने वाले वर्ड्स। प्राइमरी सफिक्स को वर्ड रूट के जस्ट बाद में जोड़ा जाता है और ये हमें बताता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड्स या कितने ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। अगर कंपाउंड में सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो प्राइमरी सफिक्स होगा एन, लेकिन अगर किन्हीं दो कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होगा तो हम कहेंगे कि कंपाउंड इज अनसेचुरेटेड कंपाउंड और हम अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे इन या फिर आइन, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट वेदर द बॉन्ड इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए इन एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। चलिए प्राइमरी सफिक्स को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, इसमें दी गई है फोर कार्बन्स की चेन। वर्ड रूट टेबल को रेफर करें तो फोर कार्बन्स की चेन के लिए हमें वर्ड रूट लेंगे ब्यूट। इस कंपाउंड में सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन, इट्स ओके। अब अगर वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स को हम साथ साथ लिखें तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटेन। एग्जाम्पल नंबर टू, इसमें है दो कार्बन्स की चेन। वर्ड रूट टेबल को अगर हम रेफर करते हैं तो दो कार्बन्स की चेन के लिए वर्ड रूट हम लेंगे एथ। इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नजर आ रहा है तो प्राइमरी सफिक्स हम लेंगे इन, इट्स क्लियर। और कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथीन। एग्जाम्पल नंबर थ्री, इसमें है थ्री कार्बन्स की चेन। वर्ड रूट टेबल के हिसाब से तो तीन कार्बन की चेन के लिए हम वर्ड रूट लेंगे प्रॉप। आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा होगा तो इसका मतलब है प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा आइन। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। और कंपाउंड का नाम होगा प्रोपाइन। एग्जाम्पल नंबर फोर, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पे हैं फोर, दैट मीन्स वर्ड रूट होगा ब्यूट। अब यहाँ पर हमारे पास एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट हो उन्हें हम इनाइन कहते हैं। इनाइन्स को हम डिटेल में समझेंगे यूनिट नंबर थ्री में जब हम जनरल रूल स्टडी करेंगे, लेकिन दो बातें आपको इनाइन्स के नॉमेनक्लेचर करते वक्त आपको ध्यान रखनी है। इनाइन्स में डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए इन को पहले लिखा जाता है और आइन को बाद में। सेकेंडली, जब भी हम इनाइन लिखते हैं तो इन का सेकेंड ई ड्रॉप कर देते हैं। डबल बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन पे, इसीलिए वन इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड है थर्ड कार्बन पे, इसीलिए थ्री आइन। ये वन एंड थ्री कहाँ से आया ये सोचकर अभी टेंशन ना लें। इसको लोकेंट बोलते हैं, मतलब लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। लोकेंट्स को भी हम यूनिट नंबर थ्री जनरल रूल्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। दिस इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ ब्यूट वन एंड थ्री आइन। अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी दे दिया जाए तो भी सिंपल है। पहले नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट कीजिए एंड देन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को देखिए। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द यूनिट वन, नॉमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट्स and what does it signify in the IUPAC name. This is me Raki saying you all now goodbye and take care.